नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की आपके अपने YouTube चैनल सेंसिटिव लेटेस्ट सब्जेक्ट्स पर। हम बात करेंगे भारत के सभी राज्यों और राजस्थान के सभी जिलों के मौसम के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आज राजस्थान में कई भागों पर मौसम पूरी तरह बदल चुका है। आज सुबह से ही घने बादलों का जमावड़ राजस्थान के कई क्षेत्रों के ऊपर देखा जा रहा है। वहीं कुछ जगह राजस्थान के पूर्वी इलाकों में मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। आज 8 से राजस्थान के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान संपूर्ण राजस्थान के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। उसके बारे में आपको ताज़ा जानकारी देंगे। आज राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। आने वाले कुछ घंटों के दौरान राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आपको इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट बताएंगे पूरी विस्तार से। इससे पहले वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें। आप राजस्थान के किस जिले से हैं वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि हमें वीडियो बनाते समय आसानी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आज राजस्थान में इस प्रकार रहेगा मौसम, विस्तार से जानेंगे हम। राजस्थान के जयपुर मौसम विभाग ने राजस्थान में बारिश का नया अपडेट जारी किया है। इस अपडेट ने प्रदेश की चिंता बढ़ा दी है। आगामी एक सप्ताह तक बारिश की संभावना बहुत कम है। मौसम विभाग के अनुसार केवल दक्षिणी व उत्तरी पूर्वी भागों में आगामी दिनों में छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को भी हाड़ोती में बादल छाए हुए थे। मौसम के आसान बने होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। मानसून की लंबी खेंच के कारण फसलें तबाह होने की कगार पर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिन तक मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। विभाग के अनुसार मानसून की तरफ लाइन हिमालय की तलहटी में सरक गई है, जिसके कारण उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर झमाझम बारिश हो रही है। तरफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति 20 अगस्त के आसपास आएगी। उसके बाद ही बद्रा प्रदेश में बरसेंगे। तब तक प्रदेश में मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 20 अगस्त के बाद बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून काल जून से लेकर सितंबर तक माना जाता है। सितंबर के अंतिम महीने में मानसून हवा पीछे हटने शुरू हो जाती है, इसे मानसून का लौटना कहा जाता है। अभी 20 अगस्त तक मौसम सामान्य रहेगा राजस्थान में। अब जिलेवार मौसम के बारे में जानते हैं, किन जिलों में हल्की बारिश होगी और किन जिलों में मध्यम बारिश होगी, विस्तार से जानेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालौर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, नागौर, इन जिलों में आगामी 10 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे। छुटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमगढ़ाना, कोटपुली, कैथल, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, डूडू, डीडवाड़ा, नकुंचामण, अजमेर, इन जिलों में मौसम साफ रहेगा। अगले 7 से 8 दिनों के दौरान यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। अब डिंग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुरछुट्टी, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, केकड़ी, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, इन जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ जगह मौसम साफ रहेगा, बादल छाए रहेंगे। अब प्रतापगढ़, सलोम्बर, जंगूपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों में मौसम साफ रहेगा। आगामी कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम है। पश्चिमी राजस्थान में आगामी 7 से 8 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। आप सभी नई अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। आने वाले दिनों में आपको और सटीकता के साथ हमारे YouTube चैनल पर जानकारी दी जाएगी। लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।